यार आई थिंक 2:15 भी नहीं बजाए, 4:45 का अलार्म दिया था, अभी से आँख खुल गई है, नींद भी नहीं आ रही है। 4 बज गए, नींद तो आई नहीं, और तो जाके लैपटॉप में ही कुछ काम करने लगा मैं। और अभी रेडी वेडी हो गया हूँ, बस ओट्स बन रहे हैं, ओट्स खा के निकलूँगा मैं। 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो आई हैव टू स्टार्ट बाई 4:15 max। 4:14 हो रहा है, तो परफेक्टली ऑन टाइम। स्टार्ट लोकेशन पे मैं आई थिंक 4:50 4:55 तक पहुंच जाऊंगा। द्वारका जाना है, 8th half marathon, एंड टाइम्ड वाला मैराथन आई थिंक मैं लास्ट कौन सा किया था, आई थिंक एयरटेल हाफ मैराथन, एयरटेल हैदराबाद मैराथन 2019 वाला वो किया था मैं लास्ट, टाइम्ड वाला। सो दिस इज लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, सो रियली एक्साइटेड। बाय द वे, हाँ, मेरा आज का टारगेट है हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स, 2 hours 40 minutes टाइप्स में कंप्लीट करना। मेरा लास्ट जो था वो 2 hours 50 55 minutes का था, तो लेट्स सी आज कितना टाइम लगता है। ये सोसाइटी का गेट बंद है, दूसरा गेट से चलो अभी। यार ये क्या नाटक है सेक्टर का, ये दूसरा गेट आया ये भी बंद है, हल्का सा खुला हुआ है। थैंक गॉड फाइनली एक तो गेट मिला। जो द्वारका तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये पता नहीं कौन सा सेक्टर है द्वारका का, बहुत ही साफ सुथरा है। और मैं भी पहुंच गया हूँ, ऑलमोस्ट 4:59 हुआ है, एंड आई थिंक 100 meters अवे फ्रॉम माई डेस्टिनेशन। यहाँ पे कोई रनर्स दिख रहे हैं, ओके आई थिंक यही है। सर्विस रोड में सर आगे की तरफ लगा लीजिए, ये वाला ये सर्विस रोड है ना, पूरी पार्किंग के लिए आप कहीं भी आगे लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम सर। 5:03 रीच्ड माय डेस्टिनेशन, अपना बिब्स और टी शर्ट्स रेस किट ले लेता हूँ और फिर बात करते हैं। हेलो, दीपक कुमार जैन, दीपक कुमार भूए, दीपक जैन जी, 9318। यस यस, कितने लोग हैं सर आज? सर ये पूरी लिस्ट है, 120, अरे वाह, 140, फाइनली रेस स्टार्ट हो रहे हैं फिजिकल। सर टी शर्ट कौन देगा मुझे? हाँ जी, नहीं ये कौन सा एल है ना, ठीक है, और ये सिर्फ पहनना है मुझे, ये चिप इसी में है क्या? ठीक है, थैंक यू। तो आजकल ये सही है, टी शर्ट्स के बदले में ये मतलब हाथ में पहनने का ये दे देते हैं, तो इसी में चिप, टाइमिंग चिप लगा हुआ है। सो इससे अच्छा चीज़ ये है कि बेसिकली टी शर्ट्स में जो बिब की वजह से पिन लगाने पड़ते थे वो टी शर्ट्स ख़राब नहीं होंगे एटलीस्ट, और आई थिंक ये कम्फर्टेबल भी होगा। लेट्स सी, आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा है इसका। Scenic places. Agree. Where so, have a run on the mountains, terrain. It's very nice.
Maybe even Mumbai Marathon will come out good. 5:20 हो रहा है, 5:30 का रेस स्टार्ट टाइम है, लोग असेंबल भी हो चुके हैं, मैं वार्म अप कर रहा हूँ. एंड गुड थिंग इज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद 50-60 लोग ही होंगे, बट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट 150 लोग रजिस्टर्ड हैं इस रन के लिए आज. अभी आपको सर्विस लेन में रहना, बाहर नहीं निकलना है. सर्विस लेन इज गुड, ओके, और आना भी सर्विस लेन दी है, तो यू डोंट हैव टू रन ऑन द मेन रोड. राइट, 3-2-1 गो. फाइव थर्टी से थोड़ा पहले ही शुरू हो चुका है एंड क्राउड भी आप देख रहे हैं बहुत ही सही हो चुका है. लेट्स सी. वन पॉइंट फाइव ऑलमोस्ट स्लो जा रहा हूँ, 7-8 के पेस पे जा रहा हूँ. टू पॉइंट टू फाइव किलोमीटर इन 14 मिनट्स. अभी भी मैं स्लो जा रहा हूँ. स्ट्रैटेजी ये है कि 5 किलोमीटर तक बहुत ही स्लो जाऊंगा, सो मे बी 5 किलोमीटर आई विल डू इन 40-45 मिनट्स, सो दैट एंडिंग के 8-10 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन ना हो. ये फर्स्ट हाइड्रेशन पॉइंट, गुड मॉर्निंग. 2.8 किलोमीटर में पहला हाइड्रेशन पॉइंट, नाइस, बट अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं रिफिल करूँगा. फोर पॉइंट टू किलोमीटर 30 मिनट्स अप्रॉक्स, आई थिंक लूप 5 किलोमीटर का है. लोग अभी वापस आने लगे हैं, तो कुछ कुछ लोग वापस जा रहे हैं, तो आई थिंक लूप जो है 5 किलोमीटर का लूप है. हर है छाना से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं. फाइव किलोमीटर डन, 35 मिनट्स. यू टर्न आ गया आई थिंक. ये कितना किलोमीटर हुआ, 5.9 किलोमीटर हुआ है, यू टर्न है 282, तो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर पे ये यू टर्न था. वहाँ पे मैट में रीडिंग हो गया है एंड यहाँ हाइड्रेशन पॉइंट है, सो आई विल रिफिल माई सेल्फ एंड देन कंटिन्यू. एनर्जन, हाँ, थैंक यू सो मच सर. हाँ, सो 6 किलोमीटर डन, 43 मिनट्स, रिफिल हो गया है और 4 किलोमीटर के बाद अप्रॉक्स में ये लीप का स्पॉन्सर्ड जेल लूँगा. स्लो स्टार्ट करने का बेस्ट चीज़ ये है, जल्दी से एग्जॉशन होता नहीं है. सो दिस स्ट्रैटेजी आई वॉन्टेड टू ट्राई फॉर सम टाइम, बट आज मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ एंड दिस एक्चुअली वर्क्स. 6 किलोमीटर हो गया है, मैं एक बार भी वॉक ब्रेक नहीं लिया हूँ, स्लो डाउन किया पेस, बट रन जॉग ही कर रहा हूँ. सो गुड सो फार, लेट्स सी. हेलो गाइज, मुझे अनुदीप मिले, HDR के पार्टिसिपेंट हैं ये भी. हेलो ऑल. और ये थर्ड एडिशन है इनका,
एच डी ओर का, मतलब ये मुझे पहचान लिए और पीछे से आगे हेलो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर ऑनलाइन मिलता है और ऑफलाइन आके बातें करता है तो। तो आपका एच डी ओर का एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक? बहुत अच्छा था। फर्स्ट एडिशन में ऑलमोस्ट मैंने 900 किलोमीटर किए थे। ओह वाओ। सेकेंड एडिशन में 2300 किलोमीटर। वाओ, ओह माय गॉड। इस एडिशन में सर आप तो 400 क्रॉस कर गए। मैं तो मतलब आपको गुरु मानना चाहिए। मतलब आप सेकेंड एडिशन में लगभग एवरेज हर दिन 23 किलोमीटर किए। ओह माय गॉड। सेकेंड एडिशन में 2 एक्टिविटी अलाउड था ना? अच्छा, 2 एक्टिविटी अलाउड। बात तो एक ही एक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ। मेरा फर्स्ट एडिशन है तो मुझे आइडिया नहीं है। तो वीकेंड में मैं वाओ तो एक्टिविटी कर देता हूँ। मतलब ऑन एन एवरेज आप 100 दिन के लिए हर दिन हाफ मैराथन भागे, हाफ मैराथन से भी ज़्यादा। हाँ, तो मैंने अब तक 119 हाफ मैराथन कर लिए। वंडरफुल। 100 प्रीवियस एडिशन 100 डेज में ही मैंने 75 हाफ मैराथन किए। वंडरफुल। रनिंग शुरू कैसे की आप? रनिंग मैंने 2018 में शुरू की। अच्छा, काफ़ी रन थे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। अच्छा, कैजुअली ही मेरे एक फ्रेंड ने बोला तो 5K से स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद लोगों को देख के ओह माय गॉड, फिर मज़ा आ गया। इंजॉयमेंट यार, फिर चूना लग गया आज। मैं अपने एक साइड का ईयरफोन फिर कहीं गिरा दिया। डैम इट मैन। ये नए वाले JBL वाला तो 1-2 महीने भी नहीं हुए थे इसको। मैं पसंद करना शुरू ही किया था और खो भी गया है ये। डैम इट। मैं वॉलेंटियर्स को अभी बोला हूँ कि ऐसा गिरा है लास्ट 2-3 किलोमीटर में, तो वो वॉलेंटियर्स भेज दिए हैं देखने के लिए, जस्ट इन केस मिलता है किसी को तो। एज इन है तो वही रोड पे, बट यार इतना छोटा है, काला कलर का है, तो खोजना आई डोंट नो, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेट्स सी, अगर मेरे नसीब में होगा वापस मिलना तो मिल जाएगा। 10 किलोमीटर हो गया है। 10.06 इन 1 hour 12 minutes अभी। एनर्जी जेल खोलने का टाइम आ गया। हल्का सा एग्जॉशन भी लगना शुरू हो चुका है। इलेवन पॉइंट फाइव टू, तो अप्रॉक्स 12 किलोमीटर। तो बेसिकली ये एक लूप हुआ, जाके आना 11-11.5 किलोमीटर हुआ। तो बेसिकली अभी फिर से वही सेम मुझे वापस जाके आना है और हाफ मैराथन हो जाएगा। वहाँ पे चेक पॉइंट है और मेरा बिब रीडिंग होगा एंड टाइमिंग चेक होगा, और मैं यहाँ से यू टर्न लेके .282। थैंक यू। रिफिल कर लेता हूँ और सर एनर्जल थैंक यू, पानी भी दे देंगे। पानी दे, थैंक यू। हाँ, सॉर्टेड फॉर अनदर 5 किलोमीटर।